हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विकर बायोलॉजी। सो इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम हमारा चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू देखा था ऑफ दिस चैप्टर 8। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, उसके टाइप्स देखेंगे, उसके मोड्स देखेंगे। यानी बेसिकली हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे। सो सबसे पहला जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फिजन। फिजन हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एज वी नो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं। नाउ फिजन टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हम पहले डिस्कस करेंगे। सो एज वी नो, बाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो इक्वल और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, उस फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जैसे कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन। एज वी नो, मल्टी और मल्टीपल मीन्स मैनी, यानी यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगा। एग्जाम्पल ये हमें देखने को मिलता है प्लास्मोडियम में। एज वी नो कि प्लास्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट। सो दिस इज अबाउट फिजन। नाउ This is the diagram showing binary fission in amoeba, कि amoeba में कैसे binary fission होता है। So यहाँ पे सबसे पहले एक parent cell है जो कि एक amoeba है, ये red color का nucleus है इसमें। Now धीरे धीरे इस amoeba के ये जो एक nucleus था, इसने divide करके दो nuclei बना लिए। Then इस amoeba का cytoplasm divide होगा and finally इस एक amoeba के parent cell से ये दो daughter amoeba के cells बन जाएंगे। So, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने हैं, तो इस टाइप के फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम शोइंग मल्टीपल फिजन इन प्लास्मोडियम। सो यहाँ पे एक प्लास्मोडियम है, इस प्लास्मोडियम में मल्टीपल डिविजन्स हुए, बहुत सारे डिविजन्स हुए और बहुत सारे मैनी और मल्टीपल डॉटर सेल्स यहाँ पे बन गए। तो इस तरीके के फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। Now, how does binary fission differ from multiple fission? आखिर binary fission और multiple fission में क्या अंतर होता है? So, in binary fission, one parent cell will divide and form two daughter cells. Example, amoeba, leishmania, bacteria. Whereas in multiple fission, one parent cell divide to form many daughter cells. Example, plasmodium. Now we will discuss the second type of asexual reproduction, which is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है। इन पीसेस को हम फ्रेगमेंट कहते हैं एंड देन हर एक जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करके एक एडल्ट एनिमल का फॉर्मेशन करता है। नाउ दिस इज द डायग्राम शोइंग फ्रेगमेंटेशन इन एल्गी। सो जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक एल्गी है, इस एल्गी ने डिवाइड करा, इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स बन गए। एज यू कैन सी दीज आर द फोर फ्रेगमेंट्स। देन हर एक जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करके एक एडल्ट एनिमल बना लेगा, अलग से एक एल्गी बना लेगा। तो इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। Now we look at the third type of asexual reproduction, which is regeneration.
सो रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट हो जाना, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उसका वापस से रीग्रो होना इज कॉल्ड रीजनरेशन। एंड एग्जांपल्स जहां पे हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है जैसे कि हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, लिजार्ड में, जैसे लिजार्ड अपनी टेल को लॉस करेगी वापस से एक नई टेल वहां पर आ जाएगी, इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। Now, this is the diagram showing regeneration in planaria. जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक planaria है, इस planaria का कोई body part lost हो गया तो वो जो lost हुआ body part है वो दोबारा से regrow कर लेगा, तो यहाँ पे एक planaria से तीन planaria बन गए by regeneration, तो इसी को हम regeneration कहते हैं। Now, the question is that how is fragmentation different from regeneration? आखिर fragmentation और regeneration क्या अंतर होता है? सो फ्रेगमेंटेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है एंड देन हर एक फ्रेगमेंट ग्रो होकर के एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, जबकि रीजनरेशन तब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को रीग्रो करता है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में रीजनरेशन नहीं होता। ह्यूमंस में रीजनरेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज ह्यूमन में रीजनरेशन करने के लिए जो स्पेशल सेल्स चाहिए वो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ वी विल लुक एट द फोर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बडिंग। सो बडिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइट पे, एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पे एक बड बन जाती है, एक आउटग्रोथ बन जाती है। देन धीरे धीरे वो बड साइज में बड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे वो बड साइज में बड़ी होती जाएगी और एक नया इंडिविजुअल बना लेगी। देन जब ये इंडिविजुअल पूरा मैच्योर हो जाएगा तब ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हाइड्रा। Now this is the diagram showing budding in Hydra. तो Hydra एक fresh water में रहने वाला animal होता है। So this is a Hydra. इसमें ये छोटी सी bud grow करी because इस specific site पे बहुत सारे cell divisions हुए। धीरे धीरे ये bud size में बड़ी होती जाए, एक मैच्योर इंडिविजुअल बना लेगी। फिर ये जो इंडिविजुअल है ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। नाउ वी लुक एट द फिफ्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें तो उसमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि स्टेम, रूट, लीफ, शूट, इस सबको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और एक होता है सेक्सुअल पार्ट यानी फ्लावर। अगर फ्लावर की वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी स्टेम, रूट, लीफ की हेल्प से अगर हम एक नया प्लांट ग्रो करके जा रहे हैं तो उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। सो वॉट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ से एक नया प्लांट बनाना इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरीके का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जैसे कि हम रूट को लेंगे और रूट से एक नया प्लांट बनाएंगे, जैसे कि स्वीट पोटैटो में होता है। बाय स्टेम, स्टेम से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं, रोज, पोटैटो, इनको हम स्टेम से एक नया प्लांट उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय लीफ, कि हम लीफ की हेल्प से भी एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइलम में। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम गिवन इन योर बुक।
कि एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये बर्ड्स ग्रो कर रही है। जैसे ही ये बर्ड इस पेरेंट से डिटैच होगी, इस लीफ से डिटैच होगी, तो ये ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेगी। सो लीफ से एक नया प्लांट बन सकता है। सो ये तो हमने देखा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। सो व्हाट इज कटिंग? कटिंग में क्या होता है कि हम एक प्लांट की कटिंग को लेंगे, मे बी इट्स अ स्टेम कटिंग जिसमें थोड़ी बहुत बर्ड्स हो, और उसे सॉइल में लगा देंगे और फिर वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेगी, तो उसी को हम कटिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम दो अलग अलग प्लांट्स को लेंगे, एक प्लांट का रूट वाला पार्ट लेंगे, एक प्लांट जो डिजायर्ड है, जो प्लांट हमें ग्रो करना है उसका टॉप वाला पार्ट लेंगे, और उन दोनों प्लांट्स को आपस में जोड़ देंगे। ओके, आपस में उनके ऊपर किसी टेप वगैरह से उनको जोड़ देंगे या क्लोथ से बांध देंगे, फिर वो प्लांट ग्रो होकर के हमारा डिजायर्ड प्लांट बनाएगा, उसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। और टिश्यू कल्चर में क्या होता है? सो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, जो प्लांट है उसकी जो टिप है वहां से टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको हम लेते हैं, फिर इस टिश्यू को हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, तो टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो डिवाइड करते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिसको हम कैलस कहते हैं। देन इसको हम हार्मोन भी देंगे और फिर यहाँ पे एक हमारे आर्टिफिशियल मीडियम में ही क्या बन जाएगा, एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा। फिर उस प्लांटलेट को हम क्या करेंगे, सॉइल में लगा देंगे और वो जो प्लांटलेट है वो बड़ा होकर के एक मैच्योर प्लांट बना लेगा। ओके, सो इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, और टिश्यू कल्चर कॉमनली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज में लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी विल लुक एट एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हमें क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है। सो पहला एडवांटेज ये है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्लांट्स जल्दी उगते हैं। सेकंड क्या है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस होता है बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो बिल्कुल जेनेटिकली सेम होता है अपने पेरेंट प्लांट के, क्योंकि पेरेंट प्लांट के ही रूट स्टेम और लीफ से हमने एक नया प्लांट ग्रो करा है, तो जो नया प्लांट है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सेम होगा, उसके सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे। एंड द थर्ड एडवांटेज इज दैट कि जिन प्लांट्स में सीड नहीं होते हैं, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, उन प्लांट को भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ द सिक्स्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, ये हमें देखने को मिलता है राइजोपस में। एज यू नो कि जो राइजोपस है ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। नाउ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिक्स जैसी दिखेगी जिन्हें हम हाइफे कहते हैं, और इनके ऊपर ये कुछ सर्कल जैसी शेप दिखेगी जो कि क्या है, ब्लॉब है या फिर स्पोरिंजिया है। इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये स्पोर्स है, तो इन ब्लॉब के अंदर स्पोर्स बनेंगे। जैसे ये ब्लॉब यहाँ से रप्चर होगा तो इसमें से ये स्पोर्स बाहर आएंगे। जैसे ही इन स्पोर्स को प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये स्पोर्स ग्रो करके एक नया राइजोपस बना लेंगे। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है राइजोपस में स्पोर्स के थ्रू। तो ये हमने क्या देखा, ब्लॉब ऑन अ स्टिक, क्योंकि यहां पे ये ब्लॉब है और इस स्टिक के ऊपर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लॉब ऑन अ स्टिक।